नमस्कार दोस्तों, ड्रीम क्लास के चैनल पे आपका स्वागत है। दोस्तों, जैसे हमारे चैनल्स पे आपने बहुत सारे अलग अलग वीडियोस देखे हैं, उसमें आज हम बात करेंगे टैली क्विक, जो टैली अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर हमारा है। आपने लास्ट टैली के वीडियोस में देखा होगा, मैंने आपको दिखाया था लेजर्स और ग्रुप कैसे क्रिएट करते हैं, कैसे हम लेजर्स को अलग अलग क्रिएट कर सकते हैं और कैसे ग्रुप्स को मेंटेन करते हैं। तो आज आपके लिए मैं एक नया टॉपिक जिसमें लाया हूँ, जो वाउचर्स का यूज़ कैसे करना है। तो सबसे पहले मैं आपको थोड़ा वाउचर्स का डेफिनेशन दे देता हूँ। तो जनरली वाउचर्स का यूज़ क्या है और कैसे वाउचर्स में इसमें हम यूज़ करेंगे। टैली में जो भी वाउचर्स हमारे जो होते हैं, वो हमारे कम से कम कंपलसरी जो होते हैं वो ट्रांजैक्शंस के लिए होते हैं। ट्रांजैक्शन मतलब जो हम व्यवहार करते हैं, जो भी पैसों की लेन देन करते हैं, प्रोडक्ट परचेस करते हैं, उन सबको हम ट्रांजैक्शंस कहते हैं। अब जो टैली में अगर बात करते हैं, जो वाउचर्स हमारे होते हैं वो अलग अलग वाउचर हो जाते हैं। जैसे कि अगर आप बैंक के ट्रांजैक्शन कर रहे हो तो उनकी अलग से एंट्री होगी, फिर अगर आप कैश को पे कर रहे हो, पेड कर रहे हो, तो उसके ट्रांजैक्शन अलग हो जाएंगे। अगर आप कैश को रिसीव कर रहे हो तो उसके ट्रांजैक्शन वापस से अलग हो जाएंगे। अगर आप किसी प्रोडक्ट को परचेस कर रहे हो तो परचेस का ट्रांजैक्शन होगा, अगर आप प्रोडक्ट को सेल कर रहे हो तो सेल ट्रांजैक्शन। वैसे ही अगर आप प्रोडक्ट को परचेस करने के बाद उसको परचेस रिटर्न करते हो तो परचेस रिटर्न का ट्रांजेक्शन बनेगा। वैसे अगर हम सेल्स करते हैं और सामने हमें सेल्स रिटर्न मिल रहा है तो वो हमारा सेल्स रिटर्न का ट्रांजेक्शन होता है। अब ये सब ट्रांजेक्शन हमारे ओनली फिक्स अकाउंटिंग वाउचर्स में मेंटेन होते हैं, बट सबकी शॉर्टकट की अलग अलग हो जाती है, यानी सबका यूज़ अलग अलग हो जाता है। तो कैसे देखते हैं, कैसे उसमें एंट्री करते हैं वो हम देखते हैं। सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने यहाँ पे टैली ओपन किया है, जैसे मैंने आपको आगे भी सिखाया था, वर्क इन एजुकेशन मोड में हम वर्क कर रहे हैं। यहाँ पे F1 से हम सिलेक्ट कंपनी कर देते हैं, जो हमारी ड्रीम क्लास की कंपनी है। यहाँ पे अभी जिससे मैंने यहाँ पे ड्रीम क्लास कंपनी को एक्टिव किया है, यहाँ पे हमारे पास ऑप्शंस दिख रहे हैं। गेटवे ऑफ टेली में मास्टर्स, जिसमें हम अकाउंट इन्फो को फॉलो कर चुके हैं। अकाउंट इन्फो में हमने क्या देखा था, ग्रुप और लेजर कैसे क्रिएट करना है। अब उसमें से एस्केप कीजिए, आप देखिए अकाउंटिंग वाउचर में आ जाइए, जो हमारे वाउचर्स के लिए यूज पे डिपेंडेंट है, जो हमारे वाउचर एंट्री ट्रांजेक्शन एंट्री के लिए डिपेंड है। अकाउंटिंग वाउचर को आप जैसे एक्टिव करते हो, यहाँ पे पूरा आप स्क्रीन देख पाते हो, कुछ इस तरीके से पूरी आपको स्क्रीन दिख रही है। अब स्क्रीन के साथ साथ जैसे जैसे वाउचर टाइप चेंज होंगे, यहाँ पे उसका कलर और यहाँ पे उसका नेम चेंज होगा। फॉर एग्जांपल हमें कॉन्ट्रा वाउचर चाहिए, मैं आपको F4 करके दिखा रहा हूँ, देखिए पीछे व्हाइट स्क्रीन पूरी आ रही है। पेमेंट वाउचर भी पूरा येलो कलर का दिखा रहा है, जबकि रिसिप्ट वाउचर कुछ लाइट ऑरेंज टाइप हो गया। F7 भी अलग है, F8, F9। तो जितने अलग अलग वाउचर्स हैं उस हिसाब से इसमें आप एंट्री कर सकते हो। सिंपली पहले कॉन्ट्रा वाउचर की बात करेंगे, जिससे आपको एक बेसिक से स्टार्ट हो। अब कॉन्ट्रा वाउचर का यूज़ क्या है और कैसे इसको यूज़ करेंगे वो पहले समझते हैं। तो हमारा जो कॉन्ट्रा वाउचर है वो हमारा बैंक रिलेटेड एंट्रीज के लिए यूज होता है। जो भी आपकी बैंक रिलेटेड एंट्री होगी आप इसमें डायरेक्टली कर सकते हो। बैंक रिलेटेड एंट्री में कौन सी एंट्री होगी, अगर आप कैश को विड्रॉ कर रहे हो तो आप कॉन्ट्रा वाउचर का यूज़ करो, अगर आप कैश को डिपॉजिट कर रहे हो इन बैंक तो भी आप कॉन्ट्रा वाउचर का यूज़ करो, और फिर अगर आप कैश को ट्रांसफ़र कर रहे हो। कैश ट्रांसफ़र मीन्स कैसा, के वन बैंक टू अनदर बैंक, यानी हमारा जो एक बैंक में ज़्यादा कैश है उसमें हम दूसरे बैंक में ट्रांसफर कर रहे हैं। तो ये तीन तरीके से हम कॉन्ट्रा वाउचर में यूज़ कर सकते हैं। जो कॉन्ट्रा वाउचर की शॉर्टकट की है F4, जो हमें कॉन्ट्रा वाउचर में एंट्री करने के लिए सपोर्ट करता है। तो देखिए टैली में वापस से आ जाते हैं, कॉन्ट्रा वाउचर हमने देखा, अकाउंटिंग वाउचर में हमने F4 किया, जो हमारा कॉन्ट्रा वाउचर करके दिखा रहा है। अगर बाई चांस आप अकाउंटिंग वाउचर में आ रहे हो और कोई दूसरा वाउचर आपको शो कर रहा है, आपको कीबोर्ड से शॉर्टकट प्रेस करना है F4, जिससे कॉन्ट्रा एक्टिव हो जाएगा। लेकिन आप यहाँ पे देख पा रहे हैं अकाउंट और करंट बैलेंस दिखा रहा है, मतलब ये सिंगल एंट्री सिस्टम दिखा रहा है। अब जनरली आप जानते हो कि हम जो अकाउंट बेस जो होता है वो हमारी अलग अलग एंट्री सिस्टम होती है। सबसे पुरानी हमारी थी देसी नामा पद्धति, जिसको कहते थे
उसके बाद सिंगल एंट्री सिस्टम थी, और जो अभी लेटेस्ट चलती है ज़्यादातर डबल एंट्री सिस्टम, मतलब जिसमें हम डेबिट और क्रेडिट दिखा सकते हैं। तो टैली हमें सिंगल एंट्री एंड डबल एंट्री दोनों को मेंशन करने देता है। अब यहाँ पे अगर हमारे पास जो सिंगल एंट्री है वो मुझे मेंटेन नहीं करनी है, मुझे यहाँ पे डबल एंट्री करना है जो क्रेडिट और डेबिट दिखाना है, तो आपको यहाँ पे एक ऑप्शन यूज करना होगा जिसको हम कहते हैं कॉन्फ़िगरेशन। जिसकी शॉर्टकट की है F12। टैली में जिसे हम आ गए हैं हम लोग करते हैं F12। अब जैसे आपने F12 किया, देखिए आपके सामने कॉन्ट्रैक्ट का कॉन्फ़िगरेशन दिखा रहा है, उसमें आप सेकंड ऑप्शन पे ज़्यादा ध्यान दीजिए, यूज सिंगल एंट्री मोड फॉर पेमेंट रिसिप्ट कॉन्ट्रा वाउचर। यानी ये अगर एक्टिव है तो आपका सिंगल एंट्री मोड कहाँ पे एक्टिव हो गया, पेमेंट वाउचर के लिए, रिसिप्ट वाउचर के लिए और कॉन्ट्रा वाउचर के लिए, तो उसको कंपलसरी आप नो कर दीजिए। उसके बाद ऑप्शन जो थर्ड पॉइंट को छोड़ के वापस फोर्थ पॉइंट पे आते हैं, यूज CRDR इंस्टेड ऑफ 2x ड्यूरिंग एंट्री। मतलब यहाँ पे हमें क्रेडिट डेबिट का यूज़ करना है 2 और बाई की जगह पे। ज़्यादातर कुछ लोग एंट्री ऐसे करते हैं 2 एंड बाई भी दिखा सकते हैं, फॉर एग्जाम्पल 2 मिस्टर मेहता बाई कैश, लेकिन हम यहाँ पे क्रेडिट डेबिट को मेंशन करेंगे क्योंकि क्रेडिट डेबिट एज अ अकाउंट में ज़्यादातर यूज होता है। तो ये दो ऑप्शन को आप खास ध्यान रखिए, F12 कीजिए उसमें सिंगल एंट्री को पहले नो कर दीजिए, उसके बाद CRDR को यस कीजिए। अब जैसे आप एंटर एंटर देते जा रहे हैं वो ऑप्शन नीचे जाएगा, उसको एक्सेप्ट कर देगा। अभी आप अपने कॉन्ट्रा में देखेंगे क्रेडिट डेबिट आपको दिखा रहा है, जो सिंगल एंट्री आपकी बंद हो चुकी है। इसमें सबसे पहले आप इसको एस्केप कीजिए, वापस से अकाउंटिंग वाउचर पर एंटर दीजिए, तो आपको सिंगल एक CR क्रेडिट दिखा रहा होगा। थोड़ा जूम माइनस करके आपको दिखा दो इस तरीके से। अब यहाँ पे आप क्रेडिट में क्या एंट्री करोगे वो कंपलसरी ध्यान देना है। जनरली हम लोग जानते हैं कि जो ऑप्शंस हमारे जो अकाउंट बेस पे जो यूज़ करते हैं, जो अकाउंटिंग स्टूडेंट होते हैं, DR और CR दो मेंटेन होते हैं हमारे। DR मतलब हमारा जो होगा डेबिट, और CR मतलब होगा क्रेडिट। अब कोई भी अकाउंटिंग बुक्स में हम लोग जब जनरली एंट्री करते हैं तो ज़्यादातर डेबिट को ऊपर रखते हैं और क्रेडिट डाउन साइड होता है, लेकिन एज अ टैली वाउचर में जो कॉन्ट्रा वाउचर हमारा है वो इसका अल्टरनेट यूज करता है, वो क्रेडिट को ऊपर रखता है और फिर डेबिट को नीचे रखता है। जब जनरली हमारा अकाउंट यूज होता है तो हम लोग क्या करते हैं, डेबिट ऊपर रखते हैं और क्रेडिट नीचे रखते हैं। हमें कॉन्ट्रा वाउचर के हिसाब से देखने जाएंगे तो क्रेडिट ऊपर रहेगा और डेबिट नीचे रहेगा। जैसे आप देख सकते हैं टैली में यहाँ पे क्रेडिट ऊपर दिखा रहा है, और साइड पे लेजर्स के लिए आपको लेजर अकाउंट दिखा रहा है कैश, क्योंकि यहाँ पे वो कैश की बात कर रहा है। कैश अगर आप एंट्री करना चाहते हो तो आप एंट्री कर सकते हो। जैसे मैंने आपको बताया कॉन्ट्रा वाउचर में हम किस तरीके से एंट्री करेंगे, कैश विड्रॉ हो रहा है, डिपॉजिट हो रहा है या कैश ट्रांसफर हो रहा है, तो मैं तीनों एक एक एंट्री आपको इसमें दिखाता हूँ जिससे आपको भी आइडिया है कि हम लोग कैसे इसमें यूज़ कर रहे हैं। तीनों एग्जाम्पल यहाँ पे थोड़ा लिख देते हैं जिससे आपको आइडिया रहे। फर्स्ट एग्जाम्पल हमारा विड्रॉ का है, ₹15,000 विड्रो फ्रॉम एक्सिस बैंक। ये हमारा एक एग्जाम्पल हुआ कि हमने ₹15,000 बैंक से निकाले जो एक्सिस बैंक की एंट्री उसमें करनी है। तो अभी यहाँ पे अगर एज अ डेबिट क्रेडिट देखने जाओ, इसका अगर हम लोग डेबिट क्रेडिट बनाए तो क्या होगा पहले वो समझते हैं। जो ज़्यादातर अगर आप अकाउंट स्टूडेंट हो तो आपको आता हो तो प्लीज़ कमेंट कीजिए, जिससे मुझे भी पता चले हमारे कितने स्टूडेंट अकाउंट के कितने एक्टिव है जो डेबिट क्रेडिट जानते हैं। अब जनरली हम यहाँ पे देख रहे हैं कि 15,000 विड्रॉ फ्रॉम एक्सिस बैंक, जो डेबिट क्रेडिट ऑप्शन ज़्यादा कंपलसरी ध्यान रखना है, व्हेन कम्स When comes in debit and goes out credit। इसका अगर हम हिंदी में कहें तो आए तो उधार और जाए तो जमा, जो जनरली हम लोग अकाउंट में सीखे हैं। अभी इसमें हमें क्या देखना है, डेबिट साइड कौन सी चीज हो रही है और क्रेडिट साइड कौन सी चीज हो रही है। फॉर एग्जाम्पल हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ पे ₹15,000 जो बैंक से हमने निकाले हैं, मतलब पैसे एक्सिस बैंक से जा रहे हैं, तो ऑब्वियसली वो क्रेडिट साइड जाएगा, यानी क्रेडिट में हम लिख देते हैं यहाँ पे एक्सिस बैंक।
एक्सिस बैंक अकाउंट। तो बात करेंगे डेबिट साइड, डेबिट साइड में क्या होगा वो पहले देख लीजिए। जो 15,000 रुपये हमने निकाले हैं वो आ रहे हैं, यानी किसके पास आ रहे हैं, हमारे पास। अब हम खुद का अकाउंट मेंटेन करेंगे तो यहाँ पे डायरेक्टली हम ऐसे तो नहीं लिख सकते कि ड्रीम प्लस, वो रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि आप ऑलरेडी अपने अकाउंट में मेंटेन कर रहे हो। तो यहाँ पे आपको कंपल्सरी लिखना है कैश अकाउंट, क्योंकि आपके पास क्या आ रहा है बैंक से, अगर आप पैसे निकाल रहे हो तो आपके पास पैसे आएंगे, यानी कैश आया। तो कैश अकाउंट होगा डेबिट, क्रेडिट साइड होगा एक्सिस बैंक। हम इसको अगर कहना चाहेंगे कैश अकाउंट टू एक्सिस बैंक, कैश अकाउंट डेबिट टू एक्सिस बैंक अकाउंट। अब अगर कॉन्ट्रा वाउचर के हिसाब से देखने जाएंगे तो वो क्रेडिट में हमें क्या दिखा देगा, सबसे पहले एक्सिस बैंक, फिर आएगा डेबिट में कैश। जैसे हम यहाँ पे देख पा रहे हैं कि वो क्रेडिट ऊपर साइड रख रहा है, तो यहाँ पे एक्सिस बैंक को एंट्री करना होगा। लेकिन सामने की तरफ आप देख रहे हो, ऐसा कोई लेजर है ही नहीं आपके पास, ऐसा कोई लेजर अभी तक आपने बनाया नहीं है कि एक्सिस बैंक का एंट्री यहाँ पे हो। तो दोस्तों यहाँ पे हमने चीज़ देखा कि अगर हमें एक्सिस बैंक का लेजर हमें वापस से क्रिएट करना होगा, तो उसको हम कैसे क्रिएट करेंगे और उसकी एंट्री कैसे करेंगे, वो मैं आपको आने वाले वीडियो में दिखाऊंगा कि हम कैसे एंट्री कर सकते हैं। उससे पहले आप इस वीडियो को वापस से अच्छे से देखें, जिससे आपको पता चले हम लोग डेबिट क्रेडिट कैसे मेंटेन कर रहे हैं, कॉन्ट्रा वाउचर का यूज़ क्या है और मल्टीपल वाउचर्स कैसे कैसे नाम से दिए जाते हैं। दोस्तों वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर करना ना भूले। दोस्तों आप न्यू यूज़र है, आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं, तो आप उसको सब्सक्राइब कीजिए, जिससे आने वाले वीडियोस आपको नोटिफिकेशन में मिलती रहे। धन्यवाद।